हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट आरू। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू द मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं या डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच किसी भी वजह से, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं? ठीक है, ओपन रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जो रेजोनेट करे वो रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है? आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं? क्या आप अपने पार्टनर के माइंड में भी हैं? सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है। ये पर्सन किसी उलझन से, किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक काम और एक तरफ मूव कर रहा है। पास में ये पर्सन वुंडेड था, बहुत ज़्यादा वुंडेड था, या बहुत ज़्यादा गार्ड्स इस पर्सन के अब थे। ये पर्सन आपके साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था या इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये अब किसी पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहा है, किसी पीस की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपको पर्सन ये शो कर रहा है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन को छोड़ के जा रहा हूँ और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ये पर्सन अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा इस कनेक्शन में, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, गोस्टिंग वाली एनर्जी है। इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, इस वक्त बातचीत नहीं है आपके पार्टनर की और आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन कनेक्ट होना चाहेगा। ठीक है, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहेगा, आपके साथ दोबारा चीज़ों को समझना चाहेगा। ये शो ऐसा कर रहा है इस वक्त, ये दिखाना चाह रहा है कि आप बिल्कुल साइलेंट होके, आप बिल्कुल खामोश होके, या आगे की तरफ बढ़कर या आगे की तरफ जाकर के ये चीज़ शो कर रहा है कि ये मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग चाहेगा इस रिलेशनशिप में, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, लेकिन ये आपको शो करना चाह रहा है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके साथ हाँ टीम वर्क करना चाहेगा, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहेगा। ये किसी ना किसी से इस सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करता है, किसी से बात कर रहा है। ये इसको अब क्या करना चाहिए? ठीक है, इसको अपने 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 अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। ये बहुत अच्छे से बात जानता है ये पर्सन। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था या किसी और की वजह से आप लोग की सिचुएशन डिस्टर्ब हुई, लेकिन ये आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन से या किसी थर्ड सिचुएशन किसी थर्ड इंसान से ज़रूर बात कर रहा है ये। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लैरिटी चाह रहा था। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत कोल्ड एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। कोई कम्युनिकेशन या कोई एक्शन, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। आपको लग रहा है ये इंटरेस्टेड नहीं है, आप उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपको लगता है ये पर्सन क्यों अब मूव ऑन करेगा, मतलब कि अब ये क्यों आपकी तरफ आएगा, जब इतना कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद, इतना कुछ देने के बावजूद ये पर्सन आपको समझा नहीं, तो ये पर्सन क्यों आएगा? इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको अब डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देख रहा है, ट्रुथ देख रहा है, ट्रुथ को फेस कर रहा है, ये बात उसको समझ आ रही है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, दिल टूटा हुआ है लेकिन थोड़ा सा ब्लंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा एक ड्राई हुआ हुआ है, थोड़ी सी एक ट्रुथ क्लैरिटी फेस कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, लेकिन हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। आपके पर्सन इस वक्त एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके सामने नहीं आ पा रहा। ठीक है, क्लैरिटी मिल चुकी है, ब्लंट हुआ हुआ, थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है। ठीक है, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन को ऐसा लग रहा है सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, इस पर्सन को अपनी गलतियां भी रियलाइज हो रही हैं, तभी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी निकल कर आई है। मतलब कि उस पर्सन को अपना अपनी अपनी मिस्टेक्स समझ में आ रही हैं, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं?
बिल्कुल, एक अवेकनिंग इस पॉइंट से आपके पार्टनर की एक अवेकनिंग स्टार्ट है, ठीक है। आप इस पर्सन के माइंड में भी हैं, आपको लेकर, आपकी मतलब कि एक इस रिलेशनशिप को लेकर आपके साथ सिचुएशन क्या थी, क्यों डिवाइन ने आपको कनेक्ट करा, कुछ अवेकनिंग की वाली एनर्जी है, ठीक है। दिल टूटा हुआ है एक जिस जगह पे भी है ये पर्सन, ठीक है। इसको पीस चाहिए, ये अपनी लाइफ में अब बहुत ज्यादा मैस से निकलना चाहता है, टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक लोग हैं इसके इर्द गिर्द, तो निकलना चाहता है, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहता है, एक प्योरिटी की तरफ, मतलब कि एक प्योर सिचुएशन, प्योरिटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। आप लोग के बीच अटैचमेंट है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी अटैच फील करता है, बिल्कुल आप इस पर्सन के माइंड में है, अटैचमेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या थर्ड सिचुएशन थी, उस चीज़ की जैसे रियलाइजेशन है आपके पर्सन को, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक है आप लोग, ठीक है। इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉक किया, या किसी की बातों में आके ब्लॉक किया, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, लेकिन आप ब्लॉक हैं, ठीक है। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, और मतलब कि सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे, या इस तरीके का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये पर्सन किस क्या कह के आपकी लाइफ में वापस आपको अनब्लॉक करे। आप लोग के बीच अटैचमेंट है, आप लोग अटैच हैं, ठीक है। लव एंड हेट का कनेक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे डिफेंसिव एनर्जी बहुत बनाई, खुद को बहुत दूर रखने की कोशिश करी, आपको कभी अपने करीब नहीं आने दिया इस पर्सन ने, अपने इमोशंस के, अपने आप के, थोड़ा सा ये पर्सन कोल्ड नेचर में रहा है। इस पर्सन ने हमेशा आपको कोल्ड तरीके से डील करा है, बहुत ज़्यादा ब्लंट तरीके से डील करा है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करी है, कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं करी। आप इस पर्सन के माइंड में हैं, आपको लेकर बहुत कुछ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, एक अवेकनिंग हुई है, मतलब कि आपके पर्सन अगर सोए हुए थे तो इस सिचुएशन को लेकर जाग रहे हैं। आपका मिलना क्यों हुआ, आप इस पर्सन से क्यों मिले, क्या सिचुएशन यहाँ पर क्या चल रही थी, डिवाइन का प्लान क्या था, आप दोनों का आप दोनों क्यों इसी तरीके से मिले, और ये क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, इस पर्सन ने क्या आपको गलत समझा, आपके पर्सन को सब समझ में आ रहा है, किसी आपके पर्सन ने किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आपको ब्लॉक किया था, ठीक है। आपके पर्सन भी आपसे कहीं ना कहीं अटैच फील करते हैं, कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करते हैं, जैसे डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, ये पर्सन आपको याद करने लग जाता है, ठीक है। जब डिस्टेंस यहाँ पर जैसे पास में से जब आप इस पर्सन के करीब आते थे, ये पर्सन आपको अपने आप से दूर करता था, लेकिन जब ये पर्सन आपको दूर कर देता था, कहीं ना कहीं इस पर्सन को याद आती थी, आपकी एक मिसिंग एनर्जी रहती थी, और राइट नाउ भी इस पर्सन के माइंड में है आप, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब कि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ये पर्सन हर्ट है, किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में ज़रूर बात कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, कोई टावर आप लोग के बीच क्रिएट हुआ है, आप लोग के बीच ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही ब्रेक हो चुका है, सिचुएशन खत्म हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। ये रिश्ता आप लोग का बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, खत्म हो चुका है, जैसे व्हील, यहाँ पे कुछ कर्मा था जो ब्रेक हुआ है, कर्मा खत्म हुआ है, कर्मा साइकिल, एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। आप लोग एक जो आप लोग की जैसे एक एक टॉक्सिसिटी, जैसे एक मतलब कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील ही करते थे, लेकिन कुछ ऐसा एंड हुआ, कुछ ऐसी चीजें पेनफुल एंडिंग रही, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका, पास्ट की नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, जो नेगेटिव इफेक्ट थे इस रिलेशनशिप पे वो खत्म हो चुके हैं, जो ब्लेमिंग गेम थे वो खत्म हो चुके हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो चुके हैं, कोई थर्ड सिचुएशन थी तो वो क्लियर कट समझ में आ चुकी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन थी, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये सिचुएशन एक ब्लॉक सिचुएशन लग रही है मुझे, ठीक है। एक ब्लॉक ऐसा हो सकता है, ये कनेक्शन एक ब्लॉक सिचुएशन से गुजर रहा है, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ठीक है। वेट, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रीडिंग इसी पे थी, लेकिन आपको अब ये सवाल, ये मेरे माइंड में आया कि आप क्या आप अपने पार्टनर के माइंड में हैं, अच्छी देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऐसा है, ये अपने कोल्ड, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कुछ न्यू ऑफर करना चाह रहा है, लेकिन अपने ईगो ईगो सेल्फ में स्टक हुआ हुआ है, अपने ईगो साइड में स्टक हुआ हुआ है, अपने ईगो को डाउन नहीं कर पा रहा, आपके सामने वनरेबल अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, मेरी व्यूअर के पार्टनर क्या मेरी व्यूअर को याद कर रहे हैं। स्ट्रेस में ये पर्सन, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। ये पर्सन अपनी गलती को जैसे रियलाइज कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में, और
परेशान है ये पर्सन, मेंटली परेशान है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है, पीस नहीं है इसके पास, मेंटली तौर पर स्टक और परेशान है। ये आपको स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, वादा ग्राउंडेड देख रहा है, क्या पर्सन आपको मिस कर रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन अब विजडम से काम लेना चाहता है। अगर इसने पास में कोई इमेच्योरिटी दिखाई है तो ये पर्सन अब कोई विजडम से काम लेना चाहता है। ये आपसे कनेक्शन फील कर रहा है, ये आपके, ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये अब इसको पता है कि किसी किसी और चीज़ को समझकर या किसी और चीज़ को इसने सुनकर या कुछ गलत इसने आपके ऊपर ब्लेम ब्लेम इसने कोई आपके साथ आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कुछ ना कुछ है यहाँ पर ऐसा है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपने इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया है, आप भी कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। अगर ये पर्सन कोल्ड है तो आप भी कोल्ड हो चुके हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ऐसी अटैचमेंट है, आप भी बैठे बैठे इस पर्सन को याद कर लेते हो और ये पर्सन भी, ठीक है। पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, क्लैरिटी दोनों को मिल चुकी है, दोनों को अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलने के बाद एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है। किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये स्टक है आपके ऊपर बिल्कुल ही, आपको मिस भी कर रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है क्योंकि आपके जाने से बहुत अकेलापन फील कर रहा है। लव तो था इस पर्सन के दिल में आपके लिए, चाहे इसने कभी कन्फेस किया या नहीं किया, लव बिल्कुल था इस पर्सन के दिल में, लेकिन इस पर्सन ने किसी सिचुएशन या किसी नेगेटिविटी की वजह से या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कभी भी आप लोग के बीच वो एक वो अट्रैक्शन को, जो आप लोग एक कनेक्शन को आप लोग वो बिल्ड नहीं कर सके, ठीक है। ये पर्सन उस कनेक्शन पे अपने फीलिंग्स के अपनी फीलिंग्स पे आपके ऊपर काम नहीं कर सका, आपको उस नज़र से देखना, आपके ऊपर ट्रस्ट करना, इसको ट्रस्ट कम था आपके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके ऊपर कंप्लीटली कभी ट्रस्ट नहीं कर पाया, या आप मतलब के अपने आप को कंप्लीटली आपको दे नहीं पाया, या अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ ऐसा रहा, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस रहा इसके दिमाग पे, ताकि ये कभी आपके लिए जागे ना या आपकी फीलिंग्स को समझे ना, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी रही है, कोई टॉक्सिसिटी इस पर्सन की लाइफ में, कोई टॉक्सिक, ये भी किसी कार्मिक सिचुएशन में रहा हो सकता है, कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट, किसी इन्वायरमेंट में ऐसा रहा है, ये पर्सन ब्लॉक रहा है आपके रिलेशनशिप में, लव है, ठीक है। आप दोनों एक हर्मिट एनर्जी में है, आप दोनों नहीं जानते इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है। आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है अब इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर क्या इंटेंशन रख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, जो भी इंटेंशन है, जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन, ये पर्सन अभी भी हाइड कर रहा है, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं अभी चीज़ों को हाइड करके बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं, मतलब कि एक मुकम्मल तौर पे हीलिंग नहीं हुई है, आप लोग की हीलिंग चल रही है इस सिचुएशन में। कंफ्यूज है ये पर्सन, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, जैसे जगलिंग वाली एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट है, ये इंटेंशन में क्या डिसाइड करे, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, पास्ट जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ, आप लोग के बीच लास्ट कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत फाइट हुआ है, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, रिग्रेट है, ये आपके पास आना चाहता है, खुलकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, शायद कुछ और भी है जो उसको, इसके पास क्लैरिटी है जो ये आपको देना चाह रहा है। इंटेंशन में ये है जरूर ये आपकी तरफ मूव करे, आपसे बात करे, ठीक है, आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करे, सिचुएशन को एटलीस्ट हील करे, मतलब कि हील ऐसे करे जो आप इसको समझते हैं, जो आप इसके लिए एक नेगेटिव, एक नेगेटिव आपका ध्यान या आपके आपका माइंड इस पर्सन के लिए अगर नेगेटिव हो गया तो ये पर्सन ये नहीं चाहता कि आप इसके लिए एक नेगेटिव थॉट रखें या नेगेटिव सोचें, ठीक है, इस चीज़ को नहीं चाह रहा, ये पर्सन हील करना चाह रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है, इस सिचुएशन के ऊपर, आपका बीच जो पास चलता रहा उस चीज़ को, जैसे चीज़ों को जोड़ रहे हैं, क्या चल रहा था इस कनेक्शन में जो आपके पर्सन देख नहीं पाए, पास में इस पर्सन ने कोई चीज़, कुछ चीज़ें जैसे मतलब कि देख कर भी अनदेखी करी है, ये पर्सन चाहता तो वो सिचुएशन को समझ सकता था कि सिचुएशन में चल क्या गया रहा है। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, जैसे डिवाइन आपके पर्सन को कुछ ना कुछ बता रहे थे इस कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को हिंट दिए जा रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए तैयार नहीं थे पास्ट में, ठीक है। स्लो है लेकिन ये पर्सन क्लियर हो चुका है, खुद को होल्ड करके बैठा हुआ, स्लोली मूव कर रहा है, खुद की हीलिंग पे भी काम कर रहा है, लेकिन ये कुछ और भी क्लैरिटी आपको देना चाहता है अपनी तरफ से। आप शायद इस पर्सन को एक गलत, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव हो चुका है, आपको ऐसा लगता है एक नेगेटिव पर्सन है, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है ये,
आप पहले इसके ऊपर ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूर भी यूं ही हो रहे हैं, कि आप ट्रस्ट नहीं करते। आपके अंदर जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ नेगेटिव आपके माइंड में आ चुका है। ये पर्सन उस चीज़ की क्लैरिटी देना चाहता है आपको, ठीक है, कुछ क्लियर करना चाहता है। इसके इंटेंशन में इसको नहीं पता ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ पास्ट टाइम में, ठीक है। ये फ्यूचर चाहता है मेरे व्यूवर के साथ, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, मेरे व्यूवर के लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा केयर फ्री देख रहा है सबसे पहले तो, और बिल्कुल रिस्क टेकिंग करता हुआ देख रहा है। थोड़ी सी जेलिसी वाली भी एनर्जी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप अपने लिए बैलेंस अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर रहे हैं। जो बैलेंस आप बार बार इस पर्सन से डिमांड कर रहे थे, आप वो अपनी स्टेबिलिटी आप वो खुद प्लान कर रहे हैं। ये पर्सन आपको काफी स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। ये पर्सन इस चीज़ को देखकर खुश नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ एक्शन ले रहे हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। कभी आपने इस पर्सन को छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन अब आप सोच रहे हैं इस पर्सन से डिस्कनेक्ट। आपको ऐसा लगता है आपका जस्टिस यही है कि आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें, अपनी कमिटमेंट या मैरिज किसी और के साथ कर लें, ठीक है। ये पर्सन बड़ा कन्फ्यूज है, इसको नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको देखकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर ये पर्सन आता भी है तो आप इसको अपने आप से बात नहीं करने देंगे या अपने आप से कनेक्ट नहीं होने देंगे। ये आपको एक लवर की एनर्जी में देख रहा है, आपके लिए फीलिंग्स इस पर्सन की हैं। एक सेकेंड चांस चाहता है आपसे इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपके साथ, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ मूव करता है तो आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, ठीक है। एक जैसे एक जख्मी शेर की तरह हुए हैं आपने, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है। ये पर्सन इस चीज़ को हाइड कर रहा है, इस चीज़ को छुपा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इसने आपका हार्ट ब्रोकन किया है। एक ये पर्सन आपके पेन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आप कितने पेन में होंगे, आप कितने तकलीफ में होंगे। तो तुम उसको कुछ बार बार ऑफर कर रहे थे, उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ हिडन, मतलब कि इस पर्सन ने बहुत गोस्ट किया है आपको, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए अवेकनिंग आपके पर्सन के अंदर एक स्ट्रांग अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन जो अपने टॉक्सिक नेचर जो इस पर्सन का था, इसकी एक टॉक्सिक नेचर पे भी अवेकनिंग हो रही है। कितना टॉक्सिक बिहेवियर था, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ठीक है। इसने डिसाइड किया था आपसे मूव ऑन करने का, क्योंकि ये अपने आप को ब्लॉक फील करता था। ये इसको नहीं लगता था कि आप इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहिए। काफ़ी एक फियरफुल सिचुएशन थी, इस पर्सन को लगता था यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है और कुछ ना कुछ नेगेटिव था। आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए था, आप इस पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या कनेक्टेड रहना चाहते थे, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब जो पर्सन इसने रिजेक्ट किया था, जो आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज था। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन हैं, ठीक है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस कनेक्शन को अप्रोच करेंगे। मुझे आपकी एनर्जी फील में कोई और पर्सन भी दिख रहा है, लेकिन ये पार्टनर आपको एक अपने अपने पर्सन की तरह दिख रहा है, अपने काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल आप इसकी तरह हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आप चॉइसेस हैं। आप बहुत बहुत सोच समझ कर चॉइस करना चाहते हैं। पास में ये ब्लॉक फील कर रहा था, पास में इसको ऐसा लगता था ये रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, आपके मतलब के इस सिचुएशन में कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, मतलब कि उसको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इसलिए बार बार ये डिस्कनेक्ट होता रहा, बार बार इसने सिचुएशन को, जैसे इस सिचुएशन से इसने निकलने का फैसला किया। इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होने होना इस पर्सन का एक बड़ा रीजन था। सोच रहा है इसने पास में क्या क्या किया, अपनी टॉक्सिसिटी पे भी एक अवेकनिंग हुई है। कितना टॉक्सिक बिहेवियर, कितना टॉक्सिक नेचर, इसके वर्ड्स, इसका नेचर, इसका आपके साथ कनेक्ट होने का तरीका बहुत बहुत जैसे बहुत ड्राई था, बहुत ब्लंट था, बहुत बहुत ज़्यादा एब्यूजिव इसकी लैंग्वेजेस, या आप क्योंकि आप बार बार इसको ऑफर कर रहे थे कुछ ना कुछ, आप इससे कनेक्ट होना चाहते थे। इसने आपको एक रिस्पेक्ट भी नहीं दी, ठीक है। एक तो प्यार लेकर इंसान एटलीस्ट रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, चाहे हम उससे प्यार करें ना करें, जो हमारे साथ कनेक्टेड है या जो हमसे प्यार मांग रहा है, लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इस पर्सन ने रिस्पेक्ट भी नहीं करी, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है इस पूरे कनेक्शन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने एक बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा
वर्क दी, लेकिन अब आप आगे भी बढ़ रहे हैं, अब जो भी आपको क्लैरिटी मिली है कहीं ना कहीं आप उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट है, आपका वक्त हर चीज़ ज़ाया है, क्या एडवाइस है आपके लिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? इंटर हायर प्लानिटरी सर्विस, ठीक है, वी आर ब्लिजिंग लाइट, ठीक है, यहाँ पर आप एक मतलब कि आपने जो भी किया एक सर्विस आपने इस पर्सन को जैसे एक कभी प्योर लव नहीं मिला था या इसने कभी प्योर लव नहीं देखा था, कुछ आपने इस पर्सन को जैसे एक सर्विस दी आपने इसकी लाइफ में, ठीक है, इसको ज़रा एहसास दिलाया ट्रू लव प्योर लव मतलब किस तरीके का होता है, और इसका बिहेवियर बहुत रॉन्ग रहा आपके साथ, ठीक है। सी विथ इनलाइटमेंट आइज, ठीक है, अपनी अपनी एक इंट्यूशन को सुने, अपनी इंट्यूशन को समझें और अपनी इनलाइटमेंट आइज से देखें, ठीक है। ओपन टू अबंडेंस, आपकी लाइफ में एक अबंडेंस को ओपन कर दिया गया है, अपनी लाइफ में किसी किसी ऐसी जगह पे वर्क करें जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, अपने सेल्फ से कनेक्टेड, ठीक है, इस वक्त आप अपने लिए कुछ ना कुछ करें। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, ठीक है, प्योरीफाई करें लाइफ को विथ लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर आ रहा है, ठीक है, आपको प्योरीफाई करना है अपनी लाइफ को, ठीक है, एक प्योर तरीके से अपनी लाइफ को प्योरीफाई करना है विथ लव, लव लव के साथ प्योरीफाई करें, प्रिपेयर हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बेटरमेंट आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, आपने जो भी किया वो आपका एक सोल प्लान का हिस्सा था, वो आपके एक सोल पाथ का हिस्सा था, जिस तरीके से आप इधर कनेक्टेड थे या जो भी थे, ठीक है, लेकिन अपनी एनलाइटमेंट आइज से देखें, ओपन अबंडेंस, ओपन टू अबंडेंस, डिवाइन ने आपके लिए अबंडेंस के डोर्स ओपन कर दिए हैं, ठीक है, अपने आप से कनेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ों को इस करेक्शन को इस सिचुएशन को लेट गो करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इस रिलेशनशिप को इस पर्सन को थोड़ा सा इसको साइड कर दें, अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखें जो टैरो रीडिंग होती है ना एक हीलिंग होती है और आपको एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए की जाती है, ठीक है, ये तो आपके पर्सन का हाल आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है और आपको रेजोनेट भी करता है, लेकिन एक सेल्फ अवेयरनेस और ये हीलिंग के लिए होती है, आपकी एक अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को फील कर सकें उसके लिए होती है, जो आप इतनी डार्क साइड में होते हैं एक पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।